हेलो दोस्तों, ये मेरा पिलकन का बोनसाई है जिसे मैं 6 मंथ से टेंड कर रहा हूँ। मैं इसको बड़े पोर्ट से निकाल कर अभी इस पोर्ट में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये पुराना पोर्ट है, अभी कुछ ग्रोथ होने दूंगा, उसके बाद एक नया सिरेमिक पोर्ट दूंगा। 2 वीक पहले मैंने इसको वायर रिमूव किया था और प्रून किया था। आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ फुल ग्रोथ कंडीशन में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये ब्रांच जो आप देख रहे हैं वहाँ, मैंने जो ग्राफ्ट किया है, मैंने यहाँ से टैप रूट को रिमूव करके यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट किया है। एक ये ग्राफ्ट है ये वाला, और एक ये बैक, दोनों को भी सब कट करके मैंने ग्राफ्ट किया था। आप देख रहे हैं इसको मैं मम्मी बोनसाई में शिफ्ट कन्वर्ट करूंगा। अभी इसकी और कुछ प्रूनिंग करनी है, इसका हाइट और रिमूव करूंगा। मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ। इस पोर्शन को मैं फ्रंट रखूंगा, इस वाले पोर्शन को जो आप देख रहे हैं सामने है, और ये पोर्शन बैक रहेगा। तत्काल मैं इसी पोर्ट में शिफ्ट करूंगा। स्किन ग्रोथ कुछ और ग्रोथ होने दूंगा अच्छे से, फिर इसको अच्छे से सिरेमिक पोर्ट में शिफ्ट करूंगा। यह सब बोनसाई का शक्ल आने लगा है। यह गार्डन सॉइल है, 50% गार्डन सॉइल और 50% काउ डंग, 1 स्पून फंगीसाइड है। और इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे इसके लिए मैं इस टूटे हुए पोर्ट का को रखा हूँ इसमें, जो ड्रेनेज अच्छा रहे। और मैं इसी में इसको शिफ्ट करूंगा और ये पोर्शन फ्रंट रखूंगा, और इसको रिपोर्ट करने के बाद 1 से 2 डे सनलाइट रिपोर्ट करने के बाद 1-2 दिन तक इसको छांव में रखूंगा, फुल सनलाइट में ना रखें। 1-2 दिन छांव में रखने के बाद इसको फुल सनलाइट पर रखें, फिर ये अच्छा ग्रोथ करेगा। फिर मैं इसको जैसे हो गया था, इसमें ग्रोथ होगा, फिर मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, अच्छा से एक सिरेमिक पोर्ट दूंगा बोनसाई का, और इसकी हाइट और रिमूव करूंगा मैं। इसमें फाइनली मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, स्पॉट में शिफ्ट कर दिया।